तो भाई वो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। दोस्तों आज की ट्यूटोरियल अभी आपने प्रीव्यू में देख ही लिया, तो फ्रेंड्स इस तरह की लैटिस इफेक्ट और स्टेटस वीडियो आप बनाना चाहते तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों कोई भी ट्यूटोरियल बनाते हैं, मतलब कोई भी स्टेटस बनाते हैं ट्यूटोरियल, तो मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स एक टॉपिक पर कम से कम 10 स्टेटस बनाइए, ये मेरा आपके लिए सजेशन है। तभी आपको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, एडिटिंग बताते हैं। दोस्तों एडिटिंग के लिए आपको प्रीसेट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक्सएमएल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, उससे आपका भी फ़ायदा होगा मेरा भी फ़ायदा होगा। फ़ायदे के लिए ही तो आप वीडियो देख रहे हो और मैं भी फ़ायदे के लिए ही अपलोड कर रहा हूँ। अभी के लिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, फुल एडिटिंग मैं बताने वाला हूँ। अगर एक्सएमएल प्रीसेट में आपको कोई भी परेशानी हो वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी के लिए लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, 9:16 का रेशो सेलेक्ट कीजिएगा, रेजोल्यूशन 1080 रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। प्लस के आइकन पर टैप कीजिएगा, मीडिया में चले जाएगा। सो मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे एक फोटो की जरूरत होगी, तो जो भी फोटो पर आप एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे फोटो हैं, मैं कोई सा भी एक फोटो ले लेता हूँ जो थोड़ा अच्छा हो देखने में, जिसपे हम एडिटिंग करें तो अच्छा लगे, ठीक है, बढ़िया लगेगा, तभी तो स्टेटस ट्रेंड करेगी। तो एक थोड़ा डार्क टाइप का फोटो कोई सा भी ले लीजिएगा जो अच्छा सा लगे देखने में। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे फोटो है बट टाइम पे कोई मिलता नहीं रहता, ये तो दूसरे शेप में इसे नहीं लेते हैं, जल्दी से मिल जाओ भाई, ये वाला ले लेते हैं। चलिए फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अभी से 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा जो एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको गाइस क्या करना है, स्क्रीन पे टैप करना है, प्लस के स्क्रीन पे टैप करना है, मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद एक सॉन्ग की जरूरत है, जो भी सॉन्ग पे स्टेटस बनाना चाहते ले लीजिएगा। चलिए मैं तब तक के लिए इसी को ले लेता हूँ। लेने के बाद सॉन्ग के लास्ट में आ जाइएगा, लास्ट में आने के बाद पिक्चर को सेलेक्ट कीजिएगा, लास्ट तक खींच लीजिएगा, सिंपल है। अब स्टार्टिंग में आ जाइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लिरिक्स जहाँ पे भी रखना चाहते हो तो प्लस का एक में टैप कीजिएगा, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लीजिएगा। कलर फिल पर क्लिक करके ये ड्यूल कलर जो है इस पर टैप कीजिएगा, व्हाइट वाले को ऊपर ब्लैक वाले को नीचे कर लीजिए, इस तरह से ब्लैक पे ही हम रख लेंगे लिरिक्स को। अब व्हाइट वाले को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसे ट्रांसमिट कर लीजिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसे हम सेंटर में कर लेते हैं थोड़ा सा लिरिक्स को, ठीक है। अब ये सेप को भी आपको लास्ट तक कर देना है। इसके बाद फिर स्टार्टिंग में आइएगा, स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस के आइकन पे टैप कीजिए, टेक्स्ट में जाइएगा, यहाँ पे कोई इमोजी आप लगा लीजिएगा, जो भी इमोजी आप लगाना चाहे उसे लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अलाइन कीजिए और रोबोटोलो पे क्लिक करके iOS वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 18 PT है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कलर पर क्लिक करके इसे ट्रांसपेरेंट कर लीजिए यहाँ से, और राइट क्लिक कर दीजिएगा, देन इसे नीचे की तरफ सेट कर लीजिए जहाँ पे भी रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर स्क्रीन पर टैप करेंगे, प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम वगैरह जो भी लिखना चाहे, नहीं भी लिखिएगा तो कोई परेशानी नहीं है, बट आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। तो मैं MKSINGH1051, ठीक है, अलाइन करेंगे, रोबोट टूल पर क्लिक करेंगे, जो भी फॉन्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहे उस फॉन्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करने में इसका साइज वगैरह एडजस्ट कीजिएगा, कलर यहाँ पे आप जो रखना चाहे रख सकते हैं, वैसे मैं व्हाइट रख लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, ऐड इफेक्ट में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट स्पेसिंग पर जाकर स्टैंडर्ड सेटिंग करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे, इसे भी यहाँ पे नीचे की तरफ रख लेंगे ऐसे। अब ये दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से, और लास्ट में चले जाइएगा, लास्ट में जाने के बाद ये वाली ऑप्शन टैप कीजिए, दोनों लास्ट तक आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिरिक्स एडिटिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपको प्ले करके सुन लेना फर्स्ट लिरिक्स का वर्ड क्या है। तो मेरा फर्स्ट लिरिक्स जो है स्टार्ट यहीं से हो जा रहा है, दिल में तेरी। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे दिल में तेरी, ठीक है, अलाइन करेंगे, रोबोट वॉल पे क्लिक करेंगे, व्यू वॉल पे क्लिक करेंगे, एक फॉन्ट यहाँ पे लेना है, मैं देख लेता हूँ गाइस मेरे में है या नहीं, तो सर्च करते हैं ORI, ये मेरे में नहीं है, बस जस्ट 1 सेकंड के लिए मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते, ये फॉन्ट आ गया, सिंपली इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। गाइस ये फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे आप ले लीजिएगा, ये 18 PT है, आप चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, अदरवाइज इतना भी रहने दीजिएगा। कलर पे क्लिक करके इसे व्हाइट कलर कर लीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो में जाइएगा, तो शैडो तो ब्लैक नीचे में है ही, तो इसे रहने देते, शैडो की जरूरत नहीं। अब इसे मूव करके यहाँ पे रख लीजिएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अब इसे एक बार फिर से प्ले करके चेक कर लीजिएगा, लिरिक्स का वर्ड कहाँ तक रहता है, यहीं तक है, थोड़ा सा कट करना होगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा कट कर देंगे। गाइज अभी इसमें हमें इफेक्ट देना है, ठीक है, तो ये छोटा सा है ही, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। अब इस पर इफेक्ट आपको क्या देना है, सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मूवी ट्रांसफॉर्म में जाना है, जूम वाले पे चले जाना है, और आपको क्या करना है गाइज, यहाँ आपको स्टार्टिंग से पहले, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग से थोड़ा पहले आ जाइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग के थोड़ा बाद, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एक की लगा लीजिएगा, फिर यहाँ पे दरमियान में एक की लगा लीजिएगा, दरमियान से थोड़ा पहले ही, और लास्ट में जाकर एक की लगा लीजिएगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैसे लगाया है, इसी तरह से आप भी लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे लास्ट वाला जो है इसे आपको बढ़ा देना है
154 कर दीजिएगा, ठीक है 154। ठीक है, यहाँ पे इतना रहने दीजिएगा। फिर इसके बीच वाले पे आ जाइएगा, बीच वाले पे यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, ठीक है, या यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो इसे 72.4 कर दिए, ठीक है। अब इस साइड में आइएगा और यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। आप फॉन्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा जितना पे रखना चाहते हो, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। आप देख सकते हैं 60.6 मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। बीच वाले में कोई कर्व नहीं देना, इस साइड वाले में आइए, कर्व पे क्लिक कीजिएगा। तो इस कर्व पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाले पॉइंटर को यहाँ पर रख लेना है, ठीक है, और ये वाला पॉइंटर जो है इसे इतना पर रख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे आगे करते हैं और इसे इतना पर रख लीजिएगा, बस इसका काम हो गया। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आएगा, थोड़ा सा जूम होता हुआ यहाँ पर होल्ड करेगा फिर, और फिर लास्ट में यहाँ पर जूम होकर चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से, बस इसका यही इफेक्ट था। अब यहाँ से बैक आइएगा, बैक आने के बाद अब इसमें हम इफेक्ट देंगे गाइज। तो इफेक्ट देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं इफेक्ट वाला, इस पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ सर्च में चले जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है स्केल, ठीक है, एस सी ए, ठीक है, स्केल एसिस्ट करके ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हो, वैसे मूव टैप्स में मिल जाएगा, तो ये वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल पे की लगाना है। तो गाइज यहाँ पे की आपको स्टार्टिंग में लगाना है, ठीक है, एक स्टार्टिंग में की लगा लीजिएगा और एक दरमियान में की लगाइएगा यहाँ पे बीच में, ठीक है, एक की यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। अब आपको गाइज यहाँ पे क्या करना है, जो दरमियान में लगाए वो 100 है ही, इसे रहने दीजिए, स्टार्टिंग वाले पे आ जाइए और इसे थोड़ा सा डाउन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 43 हम रख लेंगे, 43, ठीक है, 43.9 यहाँ पे। अभी दोनों के बीच में आ जाइएगा, दोनों के बीच में आने के बाद कॉर्व पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ये वाले पॉइंटर को इतना पे रख लीजिएगा और इसे पूरा स्टार्टिंग तक कर लीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली बैक आ जाना है, बैक आने के बाद डैम्पिंग जो देख सकते हैं इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी स्टार्टिंग में की लगा लेना है, की लगाने के बाद इसके दरमियान में फिर चले जाना है यहाँ पर, ठीक है, एक की आपको यहाँ पर भी लगा लेना है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो बीच में लगाए हैं तो उसे 78 कर दीजिएगा, तो हो गई जी यहाँ पे 78 इसे कर लीजिएगा। सेकंड बीच में जो दरमियान में लगाए हैं इस पर 78 कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर स्टार्टिंग वाले पे आ जाइएगा, इसे 199 कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है 199। अब ये दोनों के बीच में ये कॉर्ड पे क्लिक कीजिएगा, इसे यहाँ पे रख लीजिएगा ऐसे, और फिर इसे यहाँ पर रख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट है। फिर यहाँ से बैक आइएगा, स्केल असिस्ट पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको वेब वार पर क्लिक करना है, सॉरी ऐड फिर पे क्लिक करना है और सर्च कर लेना है वेब वार्प, ठीक है, तो वेब वार्प ये वाला देख सकते, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। करने के बाद इसे ओपन कीजिएगा, यहाँ पे फेज एंगल 0 रहेगा, स्पेसिंग पे आ जाइएगा, स्पेसिंग भी 20 ही रहने देते हैं, इसे कुछ मत कीजिएगा। मैग्नीट्यूड पर आ जाइएगा, सो इस मैग्नीट्यूड पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक की लगा लेना है, ठीक है, यहाँ पर दरमियान से पहले जो की लगाए थे उसी के ऊपर लगा लीजिएगा, ठीक है। अब एक की लास्ट में जाकर यहाँ पे लगा देना है लास्ट में, ठीक है, और लास्ट वाले को यहाँ पे 1.4 कर दीजिए, ठीक है, और जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे लगाए हैं फर्स्ट के उसे आकर 0 कर लीजिएगा, ठीक है। अब भी ये दोनों के बीच में आ जाइएगा, आने के बाद कॉर्ड पे क्लिक कीजिएगा और इसे यहाँ पर रख लीजिएगा ऐसे, और फिर इस साइड वाले को भी ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है। और गाइस इसे 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, बार बार एक ही इफेक्ट को हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, वार्प एंगल 90 है, सही है, 0 0 यहाँ पे सब सही है। आपको वेब वार्प पे क्लिक करना है, बैक चला जाएगा, यहाँ पे ऐड फिर पे टाइप कीजिएगा और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा फ्रैक्टल FR, और ऊपर देख सकते हैं फ्रैक्टल वार्प जो आ रहा है इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, इसे ओपन कर लीजिएगा। सो ओपन करने के बाद आपको क्या नीचे स्क्रॉल करना है, मैग्नीट्यूड पर चले जाना है, देन मैग्नीट्यूड पर जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो दरमियान से पहले की लगाए थे उसी पर आ जाइएगा, एक की लगा लीजिएगा, और की लगाने के बाद इसे हमें 0 कर देना है, ओह सॉरी माइनस में चला गया, इसे 0 कर लीजिएगा। फिर इसके लास्ट में आ जाइएगा, लास्ट में आने के बाद एक की यहाँ पे लगा लीजिएगा और इसे माइनस में आपको कर देना है 0.029, ठीक है, मतलब 30 भी रहेगा चलेगा, तो 0.030 कर लीजिएगा। अब ये दोनों के बीच में आइएगा, कॉर्व पे क्लिक कीजिएगा, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कॉर्व कर दीजिएगा, यहाँ पे कॉर्व लग गया। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद डिटेल 1 है ही रहने दीजिए 50, और इसे स्क्रीन स्पेस जो है ऑन कर दीजिएगा, और ऑक्टोबस जो है इसे 0 कर लीजिएगा, मतलब 1 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर फैक्टर वार्प पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, ऐड फिर पे टाइप कीजिएगा, ब्लर में जाइएगा, यहाँ पे मोशन ब्लर करके दिखेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। देन आपको फिर से ऐड फिर पे क्लिक करना है, ब्लर में ही जाना है, गेसियन ब्लर करके इफेक्ट दिखेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। फिर आपको दरमियान से पहले जो की लगा हुआ उस पर आना है और गेसियन ब्लर को ओपन कर लेना है, यहाँ पे की लगाना है, की लगाने के बाद इसे आपको 0 कर देना है,
ठीक है। और फिर इसके स्टार्टिंग में अगर एक की लगाइएगा और इसे 0.125 तक कर लीजिएगा, ठीक है 125। अब ये दोनों के बीच में आइएगा और यहाँ पे आपको एक कर्व लगा लेना है, तो कर्व पे आ जाइएगा और इसे इतना पे रख लीजिएगा यहाँ पे, और फिर इसे यहाँ पे रख लीजिएगा, तो कुछ इस तरह से ये देखिएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है इस तरह से। देन यहाँ से बैक आ जाइएगा, उसके बैक आने के बाद आपको क्या करना है, गेसिन ब्लर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक और इफेक्ट देंगे जो लाइटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लर तो हो रहा है बट लाइटिंग नहीं दे रहा है, तो ऐड इफेक्ट पे चलते हैं। देन यहाँ पे कलर एंड लाइट में चलते हैं, यहाँ पे एक्सपोजर गामा को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेते हैं, फिर से इसे ओपन कर लीजिए, मतलब एक्सपोजर गामा जो है इसे ओपन कर लीजिएगा। करने के बाद स्टार्टिंग में अगर की लगा लीजिएगा, की लगाने के बाद फ्रेंड्स इसके इस साइड में आ जाना है और जो दरमियान से पहले की लगा उस पर आकर की लगा लेना है। की लगाने के बाद फिर से आपको स्टार्टिंग वाले पिक की पे आ जाना है और इसे 140 कर दीजिएगा, ठीक है ताकि यहाँ पे कलर थोड़ा सा आ जाए, तो देख सकते हैं अब लाइट थोड़ा सा आ रहा है, तो 140 इसे कर लीजिएगा, ठीक है परफेक्ट। अब ये दोनों के बीच में आइएगा, कॉर पर क्लिक कीजिएगा और इसे यहाँ पर रख लीजिएगा इतना पे, और फिर इस साइड वाले को इतना पे रख लीजिए, तो अब देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा जो लिरिक्स है वो आएगा यहाँ पे, देख सकते ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से बैक आइएगा और ये सीन ब्लर पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करके टेक्स्ट में जाइएगा, यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग देखिए, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, ओपन कीजिएगा, लेटर स्पेसिंग को यहाँ पे 10 कर दीजिएगा, देन हमारा एडिटिंग हो गया फिनिश। इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड के लिए आपको क्या करना है, इसी को सिलेक्ट करना है, ये वाली ऑप्शन टैप करना है, कॉपी लेयर कर लेना है, फिर यहाँ पे आ जाना है लास्ट में इसके जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ठीक है यहाँ पे, मतलब पूरा खत्म होने के बाद ही, और ये वाली ऑप्शन टैप करके पेस्ट क्लियर कर लेना है। देन नेक्स्ट वाला वर्ड क्या है उसे प्ले करके चेक कर लेना है, जो जगह है यहीं पे खत्म हो रहा है। इसके बाद म्यूजिक आ जा रहा है, तो म्यूजिक के लिए आपको कोई इमोजी वगैरह यूज कर लीजिएगा। अब इसे सेलेक्ट करके ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये वाली ऑप्शन टैप करके आगे आ जाएंगे, तो दिल में तेरी जो जगह है, तो इसे ओपन करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, जो लिखा हुआ है उसे क्लियर करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे जो जगह है, देन राइट क्लिक कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको पूरा लाइडिंग्स को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग में आइएगा और क्या यहाँ पे एक काम कीजिएगा, प्लस के आइकन पे टैप कर लीजिएगा, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कीजिएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लीजिएगा। करने के बाद इसका कलर जो यहाँ पे ब्लैक कर लीजिएगा, यहाँ से बैक आइएगा, इफेक्ट में जाइएगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, प्रोसीडर में चले जाइएगा, सिंपल स्टार फील्ड को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको पोजीशन में एक की यहाँ पे लगा लेना है और फिर की जाकर लास्ट में लगाना है, जेड वाले को सिलेक्ट करना है, इसे 500 के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्केल आप देख सकते हैं, तो स्केल को गाइस यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, ठीक है थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। देन यहाँ पे साइज इसका थोड़ा सा बढ़ाकर, तो इसे 0.250 तक कर लेते हैं, ठीक है यहाँ पे 250 थोड़ा सा और बस। अब इसे यहाँ से बैक आ जाइए, ब्लेंडिंग पे क्लिक करके लाइटन पे क्लिक कीजिएगा, स्क्रीन कर लीजिएगा, यहाँ से बैक आइएगा, ए वाली ऑप्शन पे दो बार टैप कीजिए, जब लास्ट में आ जाएंगे ड्यूरेशन पे एक बार टैप कीजिएगा और ये वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, लास्ट तक आ जाएगा, आपका लाइटिंग्स जो है कंप्लीट है, आप प्ले करके चेक कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे ये ज़्यादा नज़दीक हो गया जिसकी वजह से हमारा इफेक्ट सही से दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दीजिएगा, इसे सेलेक्ट करते ड्यूरेशन में क्लिक करके हल्का सा कट कर दे, तो बीच में थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, ठीक है परफेक्ट। इस तरह से पूरा लाइट कंप्लीट कर लीजिएगा, देन ऊपर एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक एक्सपर्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में शेयर हो जाएगी। गाइस उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की और भी ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आ सकूँ, जिससे आप अपने सोशल साइट पर अपलोड करके अपने दोस्तों को दिखाकर इंजॉय कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।